तो ये कुर्तीज मैंने मंगा ली हैं और 1, 2, 3, 4, 5 and here it is 6. So let's start the video. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इन अनदर ब्लॉग. सो आज की वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी रिक्वायरमेंट मांगी थी कि कुछ ह्यूज में लेकर आइए, कुछ बल्क में लेकर आइए. सो मैं लेकर आ गई हूँ मीशो की तरफ से ये इतना सारा बल्क, जिसमें मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा तरीके के अलग अलग लेटेस्ट डिज़ाइंस के कुछ दुपट्टे, कुछ स्टॉल्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी आप लोग देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगाए हैं, ताकि मतलब मुझे भी जो मेरी नीड है, रिक्वायरमेंट है दुपट्टों की, वो सब पूरी हो जाए और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें मिलें. तो मैंने ये मंगाए हैं समथिंग कुछ 6 पीसेज हैं जो मैंने मंगाए हैं फ्रॉम मीशो, और हर पीस का डिफरेंट कलर है और डिफरेंट पैटर्न है और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी यूनिक हैं. मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे अनबॉक्सिंग करने के बाद, और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि इसमें मतलब क्या क्या आया है और क्या इनके प्राइजेज हैं, रीज़नेबल हैं या नहीं, और कौन कौन से मैं रखने वाली हूँ, कौन से रिटर्न करने वाली हूँ या फिर रिटर्न करूँगी भी या नहीं. सो अभी हम पूरी वीडियो में इस चीज़ के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे. चलिए इनको मैं ओपन करके आप लोगों को वन बाय वन दिखाती हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले लेंगे पर्सनली माय फेवरेट विच इज़ येलो कलर, जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको मंगाया. और इसमें कुछ छोटे स्टॉल्स भी हैं, कुछ बड़े स्टॉल्स भी हैं. सो वो सब प्राइजेस के ऊपर हैं, जैसे मैंने प्राइजेस दिए उसी तरीके के मुझे प्रोडक्ट मिले. और मतलब कुछ जीन्स पर भी कैरी किए जा सकते हैं, कुछ सूट के साथ, तो उस हिसाब से. सो ये है येलो वन, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया. और इस पर आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ स्टोन का वर्क है, हर एक एरिया में अलग अलग स्टोन लगा हुआ है, और ये सिर्फ एक ही पार्टीशन में है, फुल पे नहीं है, ये सिर्फ एक ही पार्टीशन में है. सो ये काफ़ी अच्छा है, और इस पर ये ब्लॉक वाले डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये ब्लॉक डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो. अगर मैं कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा. लेंथ वाइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जीन्स वगैरह के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है. लेंथ भी फुल दुपट्टे वाली है, पर वो ब्रॉडली वैसा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, पर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. और मैं ये काफ़ी जच रहा है ना पिंक के साथ येलो, काफ़ी सूट कर रहा है नहीं, तो ये काफ़ी मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और मैं इसको रखने वाली हूँ, चेंज करने का कोई भी ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और अगर हम इसकी प्राइजेस की बात करें, सो ये मिल गया मुझे ओनली 100 रुपीज़. सो 100 रुपीज़ में इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, सो वॉट एल्स आई वॉन्ट फ्रॉम दैट. सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला पीस. ये पीस मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक था. इसके जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं उसमें काफ़ी सारे कलर आए हैं, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी उसने मुझे अट्रैक्ट किया. सो इसमें अगर मैं आपको कलर दिखाऊं, सो इसमें 4 तरीके के कलर हैं एक ही स्टॉल में, जो कि काफ़ी अच्छा खासा प्रिंट दे रहा है. आप लोग इसका प्रिंट देखिए पहले, तो ये काफ़ी अच्छा खासा प्रिंट दे रहा है, और लेंथ वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है, और इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है. और वो ही हम इसको जीन्स वगैरह पे और सूट वगैरह पे इजीली आराम से कैरी कर लेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा. और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये इस तरीके से कुछ स्टाइलिश है नीचे से, ये आप देख सकते हो, ये इसमें ये चीज़ दी हुई है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ये चीज़ बहुत बहुत ही मेरे काफ़ी सारे दुपट्टों में मैंने ये चीज़ देखी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आई. और पर्सनली मुझे ये स्टॉल बहुत अच्छा लगा, और इसके प्राइजेस भी सेम है, ये भी 100 रुपीज़ में मुझे मिल गया. 100 रुपीज़ में हम मुझे इतने अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे, कुछ 100 से ऊपर के हैं, कुछ 100 से भी नीचे के हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा महंगा ही मिलेगा, सस्ते में भी यार काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और कैरी करने में तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है, इस तरीके से मैं इसको कैरी कर सकती हूँ. सो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुझे कंफर्टेबल ये लग रहा है. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन.
तो चलिए ये वाला मैं ड्रैप करूँगी, पिंक वन। सो इसमें क्या है, सो ये पिंक कलर का है, ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और मतलब बिल्कुल प्लेन है, ऐसा इसमें सच कोई प्रिंट नहीं है, तो ये प्लेन दुपट्टे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्लेन स्टॉल्स, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो इसमें ये इस तरीके का जो डिज़ाइन दिया हुआ है ये कितना ज़्यादा प्रिटी है, अलग अलग तरीके के कलर के जो इसमें ये डिज़ाइन दिया हुआ है दुपट्टे के बॉर्डर पर, दोनों साइड में बॉर्डर पर ये डिज़ाइन है और इधर साइडों में भी है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग देखो ये कितना अच्छा ये डिज़ाइन लग रहा है, तो ये काफ़ी सूटेबल है और काफ़ी अच्छा है, लेंथ वाइज काफ़ी अच्छा है। मेरे ये वाले पिंक पर ये इतना ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पिंक है और ये थोड़ा सा अलग पिंक है, तो काफ़ी आउट हो रहा है, तो पर ये मैंने इसके लिए नहीं मंगाया है, इसके लिए मैंने दूसरा मंगाया, वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊँगी, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके प्राइजेस की अगर हम बात करें तो ये मुझे मिल गया 120 रुपीज़ में था, तो 120 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा स्टॉल मुझे मिला है, सॉफ्टनेस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी आई है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसमें मुझे देखने को मिली। उसके बाद ये कलर का है, इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी जो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तो ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बिल्कुल ही डिफरेंट कलर है, इस तरीके के कलर्स बेसिकली बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सा, ये कुछ बेबी पिंक सा पीच सा कलर है, तो ये काफ़ी मुझे अट्रैक्ट किया। और आप लोग इसका एक तो डिज़ाइन देखो, इसका डिज़ाइन किस तरीके का है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शाइनी वाला लुक ये दुपट्टा मुझे दे रहा है, ये डिज़ाइन देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, सो ये काफ़ी मुझे अट्रैक्ट किया। और इसमें एक चीज़ और है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेट मी शो यू, आप ये देखो ये कितना ज़्यादा मतलब इस पर कितना ज़्यादा शाइनी वाला वर्क किया हुआ है इसके बॉर्डर पर, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई, बहुत ज़्यादा इसने मुझे अट्रैक्ट किया। सो इसके प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा हैं और सबसे कॉस्टली जो स्टॉल है जो दुपट्टा है वो ये ही है, इसके प्राइजेस हैं 200 रुपीज़, ये सबसे ज़्यादा महंगा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हैं और काफ़ी इसका डिफरेंट कलर है और ये काफ़ी अच्छा है और ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको भी मंगाया। और मैं इसको किसी अच्छे ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकती हूँ, किसी अच्छे सूट के साथ भी मैं इसको कैरी कर सकती हूँ, ब्लैक के साथ वाइट के साथ काफ़ी अच्छा ये जाएगा, तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। 200 रुपीज़ में मुझे ये मिला, 200 रुपीज़ ज़्यादा नहीं होते हैं एक अच्छे स्टॉल को मंगाने के लिए, एक अच्छे स्टॉल के लिए 200 रुपीज़ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद ये आया है ग्रे कलर का स्टॉल, इसमें ये थोड़ा सा मुझे बड़ा मैन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मुझे थोड़ा से बड़े दुपट्टे की भी नीड थी, तो ये लग देख सकते हो ये बिल्कुल प्लेन है लेकिन इसमें सिर्फ एक ये डिज़ाइन है साइड वाला, ये वाला जो कि ज़्यादातर मेरे दुपट्टों में आप लोगों ने देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिज़ाइन काफ़ी चल रहा है ये इस तरीके से दुपट्टों में, तो ये काफ़ी दुपट्टों में है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी खासी है, सो मैं इसको ईजीली कहीं पर भी कैरी कर सकती हूँ, घर में इसको कैरी कर सकती हूँ। सो अगर हम इसकी सॉफ्टनेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसके प्राइजेस सबसे ज़्यादा कम है और यही जो दुपट्टा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। और इसके प्राइजेस की अगर हम बात करें तो ये मुझे 90 रुपीज़ में मिल गया, मैंने कहा था ना आपसे कि 100 रुपीज़ से भी कम में बहुत सारे दुपट्टे हैं, सो ये मुझे ओनली 90 रुपीज़ में आई गेट इट फ्रॉम द मीशो। इसके बाद जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसकी क्वालिटी तो A1 क्वालिटी, मैंने सोची नहीं थी इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, सो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा था और सबसे बड़ी बात कि ये मेरे ड्रेस से बिल्कुल सिमिलर था। आप लोग देख सकते हो, बताओ क्या डिफरेंस है, सो ये मेरी ड्रेस से एक तो मैच कर गया सबसे बड़ी बात, दूसरी बात इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो स्टॉल है इसमें भी ये सेम डिज़ाइन है जो कि सब में है और इस पर पिंक पे इन्होंने जो वर्क दिया है ना
ये येलो फ्लावर का, तो मैं इसको येलो के साथ भी कैरी कर सकती हूँ और पिंक के साथ भी, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मतलब जितना ज़्यादा इमेज में अच्छा लग रहा था, इमेज में इसकी लेंथ थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन अगर मैं इसको लाइव देखूँ तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेंथ वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट भी यही था। और ये मुझे मिल गया 150 रुपीज़ में, 150 रुपये में। मतलब इतने अच्छे अच्छे अगर मुझको 150 रुपये में, 100 रुपये में, 90 रुपीज़ में, 200, 100 में अगर मुझे ये इस तरीके के डिज़ाइंस के मिल रहे हैं, तो वो मुझे और क्या चाहिए। सो ये जितने भी मैंने दुपट्टे मंगाए हैं, ये इतनी अच्छी क्वालिटी के आए हैं और मैं इनमें से एक भी स्टोर या फिर दुपट्टा रिटर्न नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सभी बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं सब कुछ रखने वाली हूँ, इसमें रिटर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है। इतने अच्छे स्टॉल्स अगर मुझे मिल रहे हैं इतनी रीजनेबल प्राइजेस में, एंड क्वालिटी A1 इसकी क्वालिटी है, सो इसमें से मैं कोई भी रिटर्न नहीं करूँगी, मैं सारे स्टॉल्स रखूँगी। और आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मुझे बताइए कि मैं और किस किस चीज़ के ऊपर वीडियोस लेकर आऊँ, या फिर मैं क्या और नई चीज़ मीशो से मंगाऊँ। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ बॉटम वेयर्स मंगाए जाएँ, जिसमें कुछ ट्राउज़र्स हों, जीन्स हों, इस तरीके का। अभी तक मैंने कोई भी चीज़ मीशो से नहीं मंगाया है, तो मैं कुछ बॉटम का सोच रही हूँ मंगाने का। आप लोग मुझे बताइए कि कुछ बॉटम वेयर में मैं किस तरीके की चीज़ें मंगाऊँ, ताकि आप लोगों की भी काफ़ी अच्छी खासी हेल्प हो जाए और मुझे भी अच्छा खासा स्टॉक में, बल्क में सामान मिल जाए। सो ये सारी वीडियो आज की थी, और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, सो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और लास्ट जो वीडियो थी उसको आपने काफ़ी सपोर्ट किया, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और आने वाली वीडियोस भी अच्छी होने वाली हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। और बाकी सारी अपडेट तो चैनल पर आती रहती है टाइमली, तब तक और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन बाय बाय।